हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ थीटा बी एक्यूट एन टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू टू दे दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ टेन टू द पावर फाइव थीटा प्लस कोट टू द पावर टेन एंड देन थीटा इज। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड देखोगे। तो यहाँ देखोगे टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू टू दे दिया हुआ है। तो किसके लिए टेन, हम कौन सा टेन थीटा, यानी अब थीटा अगर ये जो एंगल है, अब इसका कौन सा डिग्री हम ले कि हमारा जो टेन थीटा और कोट थीटा पुट करोगे तो आपका टू आ जाए। ठीक है, तो 45 डिग्री अगर हम पुट करते हैं तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है वन, एंड देन कोट 45 डिग्री का वैल्यू होता है वन। सो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा टू, यानी थीटा कितना सेटिस्फाइड है 45 डिग्री। और यहाँ बोला भी था कि थीटा भी एक्यूट एंगल, तो ये तो एक्यूट एंगल ही है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, यानी टेन 45 डिग्री का पावर 5 है, यानी वन ये होगा ना, वन टेन 45 डिग्री वन होगा, वन का पावर 5 करोगे वन ही होगा। अगेन देन प्लस ये कोट 45 डिग्री क्या होगा भाई, वन होगा, और वन का पावर 10 करोगे तो वन ही होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टू। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ बोल रहा है कि इफ़ एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी 50 डिग्री। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़। तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, ये हो गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल, यानी चारों आपका जो इसका वर्टेक्स होगा वो किस पे टच होगा, सर्कल पे टच होगा। कोई एक एक्सटेरियर एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ले लेते हैं, इसे ही ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल आप डिनोट कर लो कि कितना डिग्री दिया हुआ भाई, 50 डिग्री है, मान लेते हैं इसे 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका इंटीरियर, अब इसका ये वाला इंटीरियर होगा और इंटीरियर अपोजिट, तो इस वाले एंगल का अपोजिट फिर कौन सा होगा, ये होगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 50 डिग्री ही होगा। कैसे होगा ये देखोगे, ये 50 है, यानी अब ये स्ट्रेट एंगल हमारा कितना डिग्री होते हैं, लीनियर पेयर 180 डिग्री। सो 180 से 50 माइनस करोगे तो ये होगा 130। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होते हैं उसका सम कितने होते हैं, 180 डिग्री। सो 130 एंड देन 180 से माइनस करोगे 130 को तो कितना आएगा, 50 ही आएगा ना। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछे इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वही हो जाएगा उसका आंसर। मैंने आपको कंसेप्ट भी दिखा दिया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इच इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम दो पैरेलल कोड लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया आपका सेंटर और ये हो गया दो पैरेलल कोड, ये दोनों, और आपसे पूछा जा क्या रहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ये फिर क्या होगा। ठीक है, मान लेते इसे ए बी और सी डी, ये क्या हो गया आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इच इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर। अब देखोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड ना, तो दो अगर पैरेलल कोड है और इन दोनों का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, और पैरेलल कोड यानी उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। आगे दिया हुआ है कि डायमीटर दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस फिर क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा। सो ये 10 बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये देखोगे ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, और ये देखोगे अब जब भी पैरेलल कोड होगा ना और ये जो डिस्टेंस सेंटर से लोगे तो ये क्या करते हैं, इस कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी ये टोटल कितना है 8 है ना, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 ये हो जाएगा टोटल कोड 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आपसे पूछा जा क्या रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देखोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करोगे इस तरह से। अगर इसका नेमिंग कर दें ओ पी ले लें
सो ओपी इज इक्वल्स टू होगा 5² - 4² और रूट लगाओगे, क्योंकि इधर भी स्क्वायर आएगा बट स्क्वायर हटाओगे तो रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ये 25 - 16 करोगे तो ये हो जाएगा 9, और रूट अंडर 9 हो गया आपका 3। सो ये आपको मिला 3। ठीक है, आपसे पूछा जा क्या जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये फिर क्या होगा, इसका डबल होगा ये जो है ना 3। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3, इस साइड भी 3 होगा। सो 3 + 3 यानी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, SI मीन्स हो गया सिंपल इंटरेस्ट, CI हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑन ए सर्टेन सम, कोई एक सम पे बोल रहा है ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। अब जो डिफरेंस है कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 4% पर एनम। ठीक है, और ये हमारा जो डिफरेंस दे दिया हुआ है कितना, 1 रुपीज़ का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम क्या होगा, तो ये याद रखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × R/100² ये है आपका ट्रिक। ठीक है, क्लियर। तो देखोगे ये कब यूज होगा, ये होगा द डिफरेंस होगा फॉर टू ईयर्स के लिए याद रखोगे। तो यहाँ देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस 1 दिया हुआ है। सो 1 इज इक्वल्स टू पी, हमें फाइंड करना है सम, तो पी ले लेते हैं, और आर दे दिया हुआ है आपका 4, सो 4/100, और ये स्क्वायर करोगे 4/100 मीन्स 4 से अगर 100 को कैंसिल करोगे 25 स्क्वायर है, यहाँ तो ऊपर 1 आएगा। सो स्क्वायर अगर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 25 का स्क्वायर 625 यानी नीचे आएगा। सो इस तरह से होगा P/625, और यहाँ तो 1 है, सो P का वैल्यू क्या आया, फिर इस 625 को उस साइड लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, सो 625 रुपीज़ हो जाएगा सम यानी प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 625। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 oranges इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 oranges देन द प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, देखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 oranges ना, तो 50 CP लिखोगे इज इक्वल मीन्स हो गया आपका इक्वल 40 oranges SP यानी 40 SP लिखोगे। क्लियर है, अब आपको करना क्या है, या तो SP/CP करोगे या तो फिर CP/SP करना। ठीक है, तो हम क्या यहाँ CP लिखे हैं, तो इस SP को नीचे लेकर आते हैं, यानी हो गया CP/SP इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 40 ही रहेगा, और इस 50 को उस साइड लेकर जाओगे तो डिवाइड में होगा, और ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखो ऊपर ऊपर के लिए होगा, नीचे नीचे के लिए होगा, यानी CP हम एज्यूम करेंगे 4 यूनिट और SP एज्यूम करेंगे 5 यूनिट। ठीक है, तो देखोगे SP बड़ा हो रहा है ना, जब SP बड़ा होता है तो प्रॉफिट ही होता है, आपसे पूछा भी है प्रॉफिट परसेंट, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला आपको पता ही होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP × 100, ये हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, SP - CP, तो 5 - 4 करोगे 1, यानी प्रॉफिट कितने का होगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1 रुपीज़ का, बा 1 यूनिट आप बोल सकते हो। सो 1/CP 4 है, 4 एंड देन इनटू ये हो गया 100। ठीक है, कैंसिल करोगे 4 के टेबल में 25 टाइम्स में आ जाएगा 100। सो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 25%। ऑप्शंस में देखोगे 25% यानी हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस जो DME के एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।